तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का आपका आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो देखिए आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और ये देखिए यहाँ पर आंसर की का हुआ यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, टेंटेटिव आंसर की एंड ऑब्जेक्शन लिंक ऑफ झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और आंसर की का नोटिस क्या है मैं इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। और आपका स्पेशल ब्रांच का एडमिट कार्ड आ चुका है, वो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आंसर की का क्या अपडेट है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। चलिए जैसा कि मैंने इसको डाउनलोड किया और ये देखिए हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, झारखंड कर्मचारी चयनों के विज्ञापन संख्या 04/2018 के आलोक में दिनांक 4/8 को संपन्न 4 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था एक्साइज कांस्टेबल का, उसका कोड ABCD से संबंधित सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको दिखा दिया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो दूसरा नंबर कॉलम है अपनी ऑनलाइन आपत्ति सुझाव दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट पर जाएं तथा टेंटेटिव आंसर की एंड ऑब्जेक्शन लिंक ऑफ JCC.2018 को क्लिक करें। इसके बाद आप लॉगिन एंड सबमिट फीडबैक पेज आने पर अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें, ठीक है। उसके उपरांत अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का आंसर की डाउनलोड करें, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी औपचारिक उत्तर के विरुद्ध आपत्ति देना चाहें तो अगले अनुदेश का पालन करते हुए फॉर एनी क्वेरी फीडबैक रिलेटेड ऑफ क्वेश्चन आंसर की पर क्लिक कर अपनी आपत्ति दिनांक 14/8 के पूर्व 11 बजे से, ठीक है, यानी 14 अगस्त के बाद यानी कल आज से 11 बजे से 21 अगस्त के शाम 5 बजे तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं तथा इससे संबंधित साक्ष अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपका सॉल्यूशन है तो आप लोग अपलोड कर पाइएगा फ्रेंड्स। और तीसरा नंबर कॉलम जो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, साफ साफ आप लोग समझ लें सभी को, इस उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति ऑनलाइन ही समर्पित की जाएगी, इसके लिए एकमात्र अवसर दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और ये ऑफलाइन या डाक के माध्यम से ईमेल के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे अगर कैंडिडेट हैं मेल फीमेल सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि किनको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलती था या फिर आंसर की में गलती सो गया या फिर क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, तो इसके विरुद्ध भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, फाइट कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यही आपका है कैसा को फाइट करना, चलिए मैं इसको भी दिखाता हूँ, मैं बैक आ जाता हूँ। चलिए और यहाँ देखिए ये जो लिंक है इसी पर हम लोग क्लिक करना है, आंसर की एंड ऑब्जेक्शन लिंक, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये है डिटेल्स पर क्लिक करूँगा मैं, तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन आता है यू आर बी इन्वेस्टिगेटर एक्सटर्नल वेबसाइट, ठीक है। चलिए जो भी है तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, क्लिक फॉर सबमिट फीडबैक, तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या मांगा है, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, अगर जिनका रोल नंबर नहीं आते तो फॉरगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान से देख लें हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देख लें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मैं इसको जूम कर देना चाहता हूँ। देखिए रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कीजिएगा, उसके बाद आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं फॉरगेट, जिनका अगर रोल नंबर नहीं आते तो कैंडिडेट नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक देख लेता हूँ, मैं एक आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स रिटर्न या मैसेज जैसे कि मैंने खोला है फीडबैक रिगार्डिंग क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर के बारे में दिया हुआ है। तो एक कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न या मिलेशन, इनका 4 अगस्त को एग्जाम हुआ था, नोटिस डेट यहाँ पर 13 अगस्त को जारी किया गया, फीडबैक क्वेश्चन कॉरेक्शन ये आपका ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और 21 अगस्त का आप लास्ट कर पाइएगा। तो इनका जो पेपर था फ्रेंड्स वो देख सकते हैं आपका यहाँ पर पेपर 1 में सीरीज ABCD क्या था वो तो खुद से डाउनलोड कर पाइएगा जो भी सीरीज था वो लोग देख सकते हैं। पेपर 2 में नागपुरी इनका था और पेपर 3 में जो सभी लोगों का था वो तो था ही, ठीक है। तो चलिए मैं पेपर 3 पर नहीं क्लिक करता हूँ, सीरीज सी पर, ठीक है, देखना चाहता हूँ क्या आया, कि मैं कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आंसर की ही देखिए आपका आया ऐसा कि यहाँ पर, तो यही आंसर की है फ्रेंड्स, आप लोग मिला सकते हैं। और आपको इस पर कैसे, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है तो कैसा वो करना है, तो इस पर क्लिक है पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये देखिए हमारे सामने खुल चुका है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम लोग खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो भी पेपर में आपको प्रॉब्लम लगता है, मान लीजिए पेपर पेपर थ्री में लेता हूँ, पेपर थ्री पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद बुकलेट सीरीज नंबर, कौन सा सीरीज आपका है वो करेंगे। जैसे मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, जैसे मान लीजिए मैं 63 कर देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ फीडबैक देना है, जो भी देना है क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन रॉन्ग, जो भी है आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद इसका एक अगर आप है तो एक कॉपी पे आप बना लीजिए और उसका स्कैन कॉपी करके यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिए, उसको सबमिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 KB से 100 KB में साइज रहना चाहिए डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करिएगा। तो बस यही अपडेट था फ्रेंड्स। और एक आप लोग जितना है उतना आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितना है उतना आप लोग यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।